नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पर्व त्योहार टोटके। तो मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए वैसे उत्तम है। आज घर परिवार में कोई मंगल कार्यक्रम हो सकते हैं, आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। और इस समय देखिए, माता पिता अगर आप हैं तो आपके बच्चे आज के दिन कुछ अच्छा करेंगे अपनी स्कूल में, जो आपको बहुत अच्छा फील होगा। आत्मविश्वास से आप भी भरे हुए हैं। लव लाइफ की बात करें तो रोमांटिक पलों को सोचेंगे, समय अनुकूल है। लेकिन किसी से ऐसा वादा ना करें कि वो पूरा ही ना कर सकें, इसलिए वादा किसी से आज मत कीजिएगा। वैसे वैवाहिक जीवन आपका उत्तम रहेगा, धन लाभ के योग बने हुए हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर पाएं तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। आज अपने मूल्यवान वस्तु को संभाल कर रखिएगा, खो ना जाए, चोरी ना हो जाए, इसका ध्यान रखें। हालांकि दूसरी तरफ आज प्रतिष्ठा बढ़ेगा, जो विद्यार्थी हैं शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता प्राप्ति के योग है। कोई बढ़िया समाचार मिलने से मन खुश रहेगा। शाम में कोई रुका हुआ कार्य भी बनेगा। देर रात कोई मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के अवसर भी मिलेंगे। और जो व्यापारी भाई हैं, थोड़ी बहुत चुनौतियां हैं, लेकिन जो भी आप व्यवसाय में खर्च करेंगे, भविष्य में इसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में जो भी मुश्किलें हैं समाप्त हो जाएगी। पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो आज बढ़िया है। लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें। पारिवारिक रिश्तों में विनम्रता की आवश्यकता होगी। अविवाहित है तो आज आपकी लाइफ में कोई दस्तक दे सकता है, या फिर आप के किसी से आज आपको प्रेम हो सकता है। शुभ रंग धानी भाग्य साथ निभाएगा, 75% भाग्यांक 2 है। तो लव लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। आज आपके ऊपर रोमांटिक मनोभाव छाए रहेंगे, लेकिन किसी से वादा नहीं करना है, याद रखिए। विद्यार्थियों के लिए अच्छा वक्त है। व्यवसायी भाइयों को थोड़ा ध्यान रखना है अपने व्यवसाय का, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी चीज़ें आज अनुकूल चलेंगी। और स्वास्थ्य के मामलों में अगर कोई समस्या थी उसका समाधान हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। दोस्तों और परिवार के लोगों का सपोर्ट मिलने से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ है। और इसमें नए विचार, नए आइडियाज़ को जांचने के लिए ये वक्त बढ़िया है। दूसरा, आज के दिन जैसे खेल कूद में हिस्सा लेंगे तो ज़्यादा फिट रहें, लाइफ से मैच करें, तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।